हाय दिस इज रोहित कुतरिया बैक विद अनदर वीडियो. अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, बिल्कुल फ्री है. उसका फायदा ये होगा जब भी मैं अपनी वीडियो स्ट्रीम में अपलोड करूंगा तो आपको अपने आप पता चल जाएगा. तो जैसा कि आपको पता है, मसल बिल्डिंग के लिए जो सबसे जरूरी न्यूट्रिएंट है उसका नाम है प्रोटीन. तो जब एक इंसान जिम जाता है, वर्कआउट करना स्टार्ट करता है, तो वो सोचता है कि यार मेरे को पहला सप्लीमेंट जो लेना है वो मेरे को प्रोटीन लेना है. बट दिक्कत कहाँ आती है, अगर आप इंडिया में सप्लीमेंट लेने जाओगे, अगर आप लेट से एक प्रोटीन का डब्बा आपको लेना है, अगर आप इंडियन मार्केट में जाओगे तो वो आपको 5,000 के आसपास का पड़ेगा. और दिक्कत क्या है सबसे बड़ी, कि इंडिया में 70% सप्लीमेंट्स फेक है. तो जो अगर आप कोई भी सप्लीमेंट मार्केट से परचेज करोगे तो वो 70% चांस है कि वो सप्लीमेंट फेक हो सकता है. तो आज मैं बात करूंगा उन तीन फूड की जो बहुत ही चीप प्राइस में अवेलेबल है, जो उनकी न्यूट्रिशन फैक्ट है वो हाई इन प्रोटीन है, और जो आपके कोई भी फिटनेस गोल्स को अचीव करने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे. आप मेरी पिछली वीडियोस में जाके देख सकते हैं, मैं हर वीडियो फूड की या प्रोडक्ट की ऐसी बनाता हूँ जो कोई भी इंसान परचेज कर सके, क्योंकि जो मेरी ऑडियंस है, जो मुझे लोग देखते हैं, वो ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं. या तो वो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, या वो हॉस्टल में है, या वो कोई स्कूल्स में है. तो मैं समझ सकता हूँ क्योंकि मैं भी वहीं से आया हूँ. क्योंकि जब हम उस स्टूडेंट लाइफ में होते हैं तो हमारे इतने ज़्यादा खर्चे होते हैं, हम सभी चीज़ें परचेज नहीं कर सकते. हम ये नहीं कि उठा के हमने 5,000 का सप्लीमेंट परचेज कर लिया, 5,000 का प्रोटीन ले लिया, 2,000 का बीसी ले लिया, तो लगभग आपका खर्चा, अगर आप प्रॉपर सप्लीमेंटेशन लोगे तो लगभग महीने का 20,000 के आसपास बैठेगा. तो अब बात करते हैं फूड नंबर 1 की, जो कि इस पूरी दुनिया की फिटनेस इंडस्ट्री का किंग है और हमेशा रहेगा. वो फूड है आपके एग्स, आपके अंडे. अंडों में 8 एसेंशियल एमिनो एसिड, एक अंडे में 6 ग्राम प्रोटीन अवेलेबल है. मतलब अगर आपकी मसल्स को बिल्ड होना है तो उसको चाहिए एमिनो एसिड्स, और अंडे में सारे 8 एसेंशियल एमिनो एसिड्स अवेलेबल है, जो कि आपके प्रोटीन में जाके आपकी मसल को प्रोवाइड करते हैं, और अगर आपकी जो मसल है वो बिगर, फुलर और जल्दी से रिपेयर हो जाती है. अगर हम अंडों के प्राइस की बात करें तो लगभग इंडिया में अंडों की ट्रे 90 से लेकर 120 से 130 तक पहुंच जाती है. तो लेट से एवरेज मैं जो भी एग की पूरी ट्रे परचेज करता हूं वो मेरे को पड़ती है लगभग 100 रुपए में. तो एक अंडा मेरे को लगभग 3 रुपए के आसपास पड़ता है. तो अगर आप 4 अंडे भी खरीदोगे तो आपको 12-13 रुपए में एक ट्रे में मिल जाएंगे. आप एक ट्रे घर पे ले आओ और आप 4 अंडे भी यूज करोगे तो एक अंडे में 6 ग्राम प्रोटीन है. अगर 6 को हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बैठता है हमारा 24. हमको एक सप्लीमेंट में 24 ग्राम प्रोटीन मिलता है और हमें 4 अंडों में भी 24 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है. तो मैं आपको एक बात बता देता हूं कि सप्लीमेंट से अच्छी चीज आपके एग्स है. जो आपको प्रोटीन रिजल्ट नहीं देगा सप्लीमेंट्स का, वो आपको एग्स रिजल्ट देंगे. अब बात करते हैं फूड नंबर 2 की, जिसका नाम है चिकन ब्रेस्ट. ये भी एक नॉनवेज फूड है अंडों की तरह. नॉनवेज फूड हमेशा वेजिटेरियन फूड से हमेशा मसल बिल्डिंग में अच्छे क्यों रहते हैं, क्योंकि नॉनवेज जो सारे प्रोडक्ट्स है, फूड है, उनमें सारे अमीनो एसिड्स की चेन रहती है. जो आपके वेजिटेरियन फूड है, आप कितना भी अच्छा फूड खा लो वेजिटेरियन, बट जो अमीनो एसिड्स की चेन होगी वो कभी भी फुल नहीं मिलेगी, वो कभी भी लीन प्रोटीन में नहीं गिने जाएंगे. तो आपका चिकन ब्रेस्ट और एग एक लीन प्रोटीन है. तो आपको चिकन ब्रेस्ट आपको पड़ती है 160 रुपये किलो, जो इस वक्त प्राइस है, मैं लाता हूँ 160 रुपये किलो आपको पड़ती है. अगर आप आधा किलो लाओगे तो आपको पड़ेगी 80 रुपये की, और अगर आप 100 ग्राम लाओगे तो आपको पड़ेगी लगभग 16 रुपये की. तो 100 ग्राम चिकन ब्रेस्ट में आपको लगभग 31 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है, जो कि हाई क्वालिटी प्रोटीन है. अगर हम इंडिया में जो प्रोडक्ट अवेलेबल है, फूड अवेलेबल है, उनकी बात करें तो इंडिया में चिकन ब्रेस्ट 2रे या 3रे नंबर पे आता है, जो कि मसल बिल्डिंग में सबसे बेस्ट फूड है. अगर हम इंडिया की बात करें, बाहर की बात नहीं कर रहा हूँ, बाहर तो टर्की, बैकन और ये पता नहीं स्टीक वगैरह ये सब खाते हैं, तो यहाँ पर तो वो खा नहीं सकते, ना मिलते हैं. तो ये था फूड नंबर 2, जिसका नाम है चिकन ब्रेस्ट, जो आप यूज़ कर सकते हो, बॉयल करो और खाओ. अंडे भी सिंपल है, बॉयल कर खाओ. अब बात करते हैं वेजिटेरियन फूड की, जो है फूड नंबर 3, जिसका नाम है सोया बीन्स, सोया चंक्स. सोया चंक्स
कुछ लोग बोलेंगे कि भाई सोया चंक्स क्यों बोल रहे हो, सोया चंक्स हमने सुना है कि हमारा एस्ट्रोजन लेवल बढ़ा देते हैं, हमारे मैन बूब्स दे देते हैं, हमारी जो है निप्पल्स है वो लटक जाते हैं, हमारी चेस्ट में फैट आ जाता है। तो अगर आप 50 ग्राम सोया चंक्स यूज कर रहे हो तो आपका एस्ट्रोजन लेवल कभी भी नहीं बढ़ सकता, क्योंकि बहुत सारे लोग इंडिया में वेजिटेरियन है, तो आप 50 ग्राम सोया चंक्स यूज कर सकते हो। हमारा एस्ट्रोजन लेवल बढ़ता कब है, जब हम ज्यादातर जो फूड है वो हम सोया से ले रहे हैं, जो ज्यादातर प्रोटीन है वो हम सोया से ले रहे हैं, और कम प्रोटीन हम किसी और प्रोडक्ट से ले रहे हैं। तो अगर आप एस्ट्रोजन लेवल की चीजें खाए जाओगे और चीजें खाओगे ही नहीं प्रोटीन की, तो आपका एस्ट्रोजन तो सिंपल है बढ़ेगा ही। तो 50 ग्राम सोया चंक्स का पैकेट आपको मिलता है 10 रुपए का, और उसमें मिलता है आपको 26 ग्राम प्रोटीन। जैसे कि आपको पता है कि वेजिटेरियन फूड है, इसमें अमीनो एसिड की चैन पूरी नहीं है, तो इसमें बहुत ज्यादा कार्ब भी होता है, ये आपको लीन सोर्स नहीं है प्रोटीन का, बट वेजिटेरियन लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट सोर्स है और बहुत ही चीप सोर्स है। तो बस आज के लिए इतना ही, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो भाई वो लाइक जरूर कर देना और सब्सक्राइब करना ना भूले, लाल कलर का बटन है, सांड बन जाओ और इसे तोड़ दो, सब्सक्राइब होना चाहिए। और अगर आपने मेरे को अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जाए मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, मैं वहां डेली लाइव अपडेट रहने लग गया हूँ। रोहित कुथरी फिटनेस के नाम से सेम अकाउंट है इंस्टाग्राम पे। तो बस अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई सजेशन है, कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं कल या परसों, टिल देन नॉट पीस गेन्स 16.5 16.5 डैब डैब डैब।